लोकसभा चुनाव के नतीजे आना शुरू हो गए और दोनों ही खेमों में कांटे की टक्कर है। एनडीए गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता है। जो एग्जिट पोल के जो नतीजे थे उनसे बहुत अलग जो जो नतीजे, हालांकि अभी तक तो रुझान है उनमें जो है इंडिया गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो है वाराणसी लोकसभा सीट से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री यहाँ पर नरेंद्र मोदी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार भी यहाँ से सांसद 2014 से सांसद का चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस बार जो है उनके लिए अच्छी खबर जो अभी तक की स्थिति में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है वो 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 6,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, क्या नतीजे होंगे ये देखना दिलचस्प होगा और आखिर क्या निकलने वाला है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करूं तो 284 पर जो बहुमत का आंकड़ा है, 272 का, हालांकि एनडीए उससे आगे है और 222 पर कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन है। नतीजे क्या निकलते हैं और एग्जिट पोल जो जो थे 400 पार या 395, क्या वहां तक एनडीए गठबंधन पहुंच पाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि दोनों ही खेमे अपनी अपनी जीत को लेकर उत्साहित है और लगातार कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन एनडीए हो, दोनों के मुख्यालयों पर लगातार पूड़ी और छोले भटूरे लड्डू बनना शुरू हो गया है। हालांकि भटूरों की हवा कौन निकालेगा, किसके भटूरे में और ज्यादा फूलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करूं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक चेहरा है बीजेपी का, पूरा एनडीए का खेमा उनके चेहरे पर जो वोट लड़ा था और अब तक लड़ता आ रहा है, कई सारे चुनाव उनके चेहरे पर लड़ते गए थे, अगर वो वहां से पीछे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये एनडीए के लिए चिंता के विषय है और सोचना पड़ेगा कि जमीन पर ऐसा क्या नहीं हुआ कि आखिर जनता ने मोदी के चेहरे पर विश्वास कम जताया है। अगर ऐसा होता है, हालांकि भी शुरुआत ये रुझान है, रुझानों में आगे ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि एक वक्त पर एनडीए जो है 284 सीटों पर पहुंच गया था, उसके बाद जो है सीटों की संख्या कम हुई और 155 पर उस वक्त जो है इंडिया गठबंधन था। लेकिन अब मौजूदा स्थिति की बात करूं तो 222 पर जो है इंडिया गठबंधन पहुंच गया है और 284 पर जो है एनडी गठबंधन पहुंच गया है। ये ऊपर नीचे आंकड़े होते रहेंगे और ये पूरी स्थिति होगी 12 बजे के बाद जो है साफ। लेकिन अभी की जो स्थिति है, कई ऐसी सीटें हैं जहां से जैसे कि अमेठी पर स्मृति ईरानी जो है वो पीछे चल रही है, उस पहले जो शुरुआती जो रुझान थे वहां पर वो आगे चल रही थी और अभी जो है वो पीछे चल रहे हैं। यहाँ से केएल शर्मा जो है उतारा था कांग्रेस की तरफ से, वो आगे चल रहे हैं। अमेठी में केएल शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। आपको बता दें कि यहाँ पर 2019 में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की टक्कर थी, हालांकि राहुल गांधी यहाँ पर हार गए थे, उसके बाद वो वायनाड गए, वायनाड से 2024 में वापस आए और हालांकि अभी भी वो राहुल गांधी वायनाड से चुनाव मैदान में है और आगे चल रहे हैं वहां से। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया कि भाई अमेठी से भी चुनाव लड़ो, लेकिन वो अमेठी से नहीं लड़े, लेकिन अपनी परंपरागत जो सीट थी जहां जो खाली हो रही थी, क्योंकि सोनिया गांधी ने राजनीति संन्यास ले लिया है और रायबरेली वहां से खाली हो रही थी। अब सवाल उठता है कि रायबरेली से कौन कौन लड़ता, तो उन्होंने राहुल गांधी ने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला लिया रायबरेली से। हालांकि पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक स्थानीय कार्यकर्ता जो काफी सालों से कांग्रेस के साथ जुड़ते रहे थे वहां से उनको टिकट दिया केएल शर्मा को। और इसके पीछे ये रणनीति बताई जा रही थी कि अगर केएल शर्मा यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो पार्टी ये बता सकती है कि हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता बीजेपी के इतने बड़े कार्यकर्ता को हरा सकता है इस रणनीति के तहत, और ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि यहां से टक्कर जो है वो बहुत कांटे की चल रही है। तो फिलहाल आगे की अपडेट मैं जारी रखूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे नतीजे ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो इस खबर में इतना ही और देखते रहें स्टोरी हाउ।